अस्सलाम वालेकुम। आज लाइव में आप लोग के लिए वेजिटेबल बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है, तो एक बार आप लोग भी इस बिरयानी को ज़रूर बना के देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार चटपटी सी बिरयानी को बनाना। तो इसके लिए कुछ सब्जियों को मैंने काट के रख लिया है, जैसे कि फूल गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्ची है, चौड़ी सेम है, बैगन है, आलू है, मटर है, दो मीडियम साइज़ के टमाटर है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से धो के मैंने काट के ले लिया है। अब एक बर्तन में इन सारी सब्जियों को डाल देना है। इसके बाद इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है मैंने इसमें। इसके बाद पाँच चम्मच मैंने इसमें गाढ़ी दही डाली है। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, दो चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देना है, दो चम्मच धनिया पाउडर डालना है, एक चम्मच जीरा पाउडर डालना है, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालना है, एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है, दो मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने फ्राई करके रख लिया था इसे डाल देना है। अब इसमें हरी धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल देना है। तो चार से पांच हरी मिर्च को बीच में से कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। तीखा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहे तो हरी मिर्च को कम डालें। इसके बाद इसमें मैंने चार चम्मच बिरयानी मसाला डाला है, आप कोई से भी ब्रांड का बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। इसमें नमक डाल दिया है, तो यहाँ पे नमक मैंने डेढ़ चम्मच डाला है। इन सारी सब्जियों को और मसालों को अच्छी तरह से मिला लेना है। इसे रख देना है साइड में। इसके बाद एक बर्तन ले लेना है, इसमें डालना है डेढ़ कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी में भी इस बिरयानी को बना सकते हैं। इसके बाद कुछ खड़े मसाले चाहिएंगे, तो एक चम्मच शाह जीरा है, जावेत्री है, तेज़पत्ता है, दालचीनी के टुकड़े हैं, एक स्टार फूल है, चार से पांच हरी इलायची है, चार से पांच लौंग है। इन सबको अच्छे से तेल में डाल के फ्राई कर लेना है, ताकि इन मसालों की खुशबू तेल में अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे डाल देना है। डाल के इसका कलर चेंज होने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो इसमें जो सब्जियां हमने मसालों में लगा के रखी है इसे डाल देना है। डालने के बाद गैस का फ्लेम फास्ट करके 5 से 6 मिनट तक हमें इसे पका लेना है। इसके बाद गैस का फ्लेम स्लो करना है और ढक के 10 से 12 मिनट स्लो फ्लेम पे इन सब्जियों को पका लेना है। अब दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है, इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक। अब इसमें शाह जीरा, 3 हरी इलायची, 4 लौंग, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है। इसमें एक तेज़पत्ता डाल देना है और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देना है। जब पानी में अच्छा उबाल आने लगेगा तो इसमें चावल डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिया है, इसे आधा घंटा पहले भिगा के रख दिया था, इसे डाल देना है। इसे हमें 1 किनकी होने तक पका लेना है, यानी 1 किनकी जब बाकी रहेगी तब तक हमें इसे पका लेना है और चावल को फिर अलग कर लेना है और पानी को फेंक देना है। चावल डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है और इसे रख देना है पकने के लिए। तो दूसरी तरफ हमारी बिरयानी का मसाला अच्छी तरह से बन गया है। इसे बस 2 मिनट के लिए हमें गैस का फ्लेम फास्ट करके भून लेना है, ताकि तेल अच्छी तरह से अलग हो जाए। इसके बाद जो चावल हमने बना के रखा है इसे डाल देना है इसके ऊपर। चावल की एक मोटी सी परत इस पर डाल देना है। तो गैस का फ्लेम मैंने स्लो करके चावल की एक मोटी सी परत डाल दी है इसके ऊपर।
चावल डालने के बाद इसे हमें ढक के 15 मिनट स्लो फ्लेम पे पका लेना है। तो 15 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हटा लेना है। आप चाहे तो इसके ऊपर ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो बिरयानी बनके तैयार है, यानी वेजिटेबल बिरयानी बनके बिल्कुल तैयार है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से अगली रेसिपी में, जब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।